अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS अंतरिक्ष में रहने योग्य एक कृत्रिम उपग्रह है। यह स्पेस स्टेशन 357 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक विशाल घर की तरह है, जो हजारों मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ISS पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित सबसे बड़ी बस्ती है और इसे अक्सर पृथ्वी से बिना किसी दूरबीन या टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में ग्रहों, तारों, मौसम, एलियंस, लौकिक और पौरलौकिक आदि गतिविधियों और घटनाओं के करीब से निगरानी करने के उद्देश्य से अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे 18 देशों के समूह ने मिलकर स्पेस स्टेशन के प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया था और 2000 के साल से स्टेशन को इंसान के रहने योग्य बनाया गया। तब से लेकर आज तक कोई ना कोई इस पर रहता आ रहा है। इसमें एक समय में सबसे ज्यादा 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इसके विभिन्न हिस्सों को 136 उड़ानों के जरिए भेजा गया था। इन सभी हिस्सों को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ही जोड़ा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक की सबसे महंगी परियोजना है। इस पर कुल $160 अरब का खर्चा हो चुका है। भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बराबर है। इस अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में 16 देश शामिल है। अमेरिका, रशिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, ब्राजील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूके। ये अंतरिक्ष स्टेशन 357 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो आकार में एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। इसका वजन 4,20,000 किलोग्राम है। ये 320 कारों के वजन के बराबर है और आज तक यहाँ पर 18 देशों के 232 अंतरिक्ष यात्री भेजे जा चुके हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर गतिशील रहता है। स्पेस स्टेशन 24 घंटे में 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस तरह हर 92 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और एक दिन में पृथ्वी के 15.5 चक्कर लगा लेता है। कम ऊंचाई के कारण ये कई बार नंगी आंखों से भी दिख जाता है। 2003 में कोलंबिया शटल यान के हादसे का शिकार होने के कारण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ISS को खाली छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में स्टेशन पर हर वक्त अंतरिक्ष यात्री रखने का फैसला किया। नासा के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को खाली छोड़ा गया तो उसके खोने का खतरा बढ़ जाएगा। आइए बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में रहते कैसे हैं। दरअसल 2 नवंबर 2000 से अब तक गत 17 सालों से इस पर लगातार अंतरिक्ष यात्री भेजे जा रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री 6-6 महीने की रोटेशन पर काम करते हैं। हालांकि वहां रहना धरती जितना आसान नहीं है। पेश है इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की तरह चलना संभव नहीं है। स्पेस स्टेशन में भी यात्रियों को उड़ते हुए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। तलवों पर भार नहीं पड़ने की वजह से वहाँ की चमड़ी उतरने लगती है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री तेजी से अपनी जुराबे यानी कि सॉक्स उतार दे तो सभी ओर उसके पैरों की डेड स्किन के टुकड़े फैल सकते हैं। सोते वक्त भी शून्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से तैरने से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्लीपिंग बैग अथवा तो कंपार्टमेंट का प्रयोग करते हैं और खुद को हल्के स्ट्रेप से बांध लेते हैं। खाते वक्त भी उन्हें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अंतरिक्ष स्टेशन में उनके खाने के लिए 150 तरह की चीजें उपलब्ध रहती है। आमतौर पर ये सभी चीजें एयरटाइट कंटेनरों में बंद होती है। कुछ में पानी मिलाने या ओवन में गर्म करने से वो खाने के लिए तैयार हो जाती है। तरल पीने के लिए वो स्ट्रो का उपयोग करते हैं, जिसे सीधे सीलबंद डिब्बों से पीना पड़ता है। अंतरिक्ष में पानी की बेहद कमी रहती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री कपड़े नहीं धो सकते। वो एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहनते हैं और जरूरत पड़ने पर नए कपड़ों से उन्हें बदल लेते हैं। शौच करने के लिए भी अंतरिक्ष यात्री इंग्लिश टॉयलेट जैसी सीट पर खुद को बेल्ट से बांध लेते हैं ताकि वे उड़ने न लगे। टॉयलेट में लगी वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन सारी गंदगी को खींच लेती है। अंतरिक्ष यात्री नहाते नहीं है बल्कि बॉडी शैम्पू लगे गीले तौलिए से खुद को साफ करते हैं। बाल धोने के लिए वो वाटरलेस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।